What's up, يا حبيبي. Hey, what's up, legend gang? भाई गाना आ चुका भाई यूनुस सर का एक और, क्यों रोशन सर? Yes, गाने का नाम है फासले. हाँ जी. और आर्टिस्ट साथ में जो के बिलाल अली JJ47 तला यूनुस तो है ही फिर. फासले ओ भाई, ओए ओए ओए, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वाइब आ रही है भाई. बिल्डिंग के ऊपर एक एंगल पे दे रखी है भाई. अजब. लेट्स गो मैन, वाइब लेते ट्रैक की. Yes. मजा आने वाला है. चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि 23,000 हो गया. थैंक यू सो मच भाई, 23,000 सब्सक्राइबर ब्रो. यस, हो रहे, बढ़ रहे. यस, फैमिली बड़ी हो रही है, अपनी गैंग बड़ी हो रही है. लेट्स गो मैन, कंटिन्यू रखो ब्रो, सब्सक्राइब करते रहो. मजा आएगा, मजा आएगा. नॉलेज बांटनी है, नॉलेज लेनी है, कुछ देनी भी है. सो लेट्स गो मैन, वाइब लेते ट्रैक. Don't mind, you don't mind. वैसी वाइब आ रही है. नहीं तेरे रूठे जवाब. अच्छा वो अली बता है. बिलाल अली मेरे लिए. जोके तो नहीं लग रहा भाई. पर मोटी आवाज करके और को पता नहीं, पर जोके तो नहीं लग रहा भाई. हो सकता है तो पता नहीं, पर लग नहीं रहा. बदरंग है हुआ ये जहां मेरे लिए. दुनिया को भी ना कोई इख्तलाफ है फिर क्यों ये फासले. बिलाल अली होगा शायद, कंफ्यूज है भाई. गुजरे पल की बात छोड़ दे, फर्जी जंजीर तोड़ के कर ले तू मुझ में यकीन. जाने ये ज़माना कितना मुसा है अपना ये अफसाना. बिलाल अली है भाई ये. किस बात का फिर घबराना, लिखेंगे हम अपनी दास्तां. ये बैग्स फुल नजर मेरी नोट पर, तू साथ बैठी सीट पे तो देखो नहीं रोड पर. हमें इजी रहता फुली फोकस बहुत पर, मैं नो ना मिशन जाने निकला कैसी कोच पर. वी कैन बी ऑन द ट्रेंड बिना हैशटैग टॉप, लिख टॉप टियर टॉप थोड़ी हैश वैश. ये लाइन बहुत सही है, बोल रहा है कि हम ट्रेंड पे आए. अच्छा, बिना हैशटैग, मतलब वो वाले हैशटैग वाले या ट्विटर वाले ट्रेंड नहीं, हम वैसे भी ट्रेंड में. ओके ओके. और मेरे को ना पता है वो बंदे की मेलोडीज उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी भाई ये जोके आके कर रहा है. वो सच्ची बताऊं तो मेरे को, मतलब बहुत, मैं अब कह लो कि मेरे लिए बहुत न्यू है, मेरे को अच्छी इसलिए नहीं लगी. शायद होता होगा, पर मैंने कभी नहीं सुना इसलिए मेरे को थोड़ी वियर्ड लग रहा था. पर जे जे आती मेरे को अपना टेस्ट जैसा लग गया. हाँ, ऐसा हुआ सीनियर्स. रोड पर अब मैं इजी रहता फुली फोकस बहुत पर, मैं नो ना मिशन जाने निकला कैसी कोच पर. वी कैन बी ऑन द ट्रेंड बिना हैशटैग टॉप, लिख अ टॉप टियर टॉप थोड़ी हैश वैश. ऑल ब्लैक एवरीथिंग गिरी ऐश वैश, पापराजी ऑन द मूव चारों तरफ फ्लैश फ्लैश. जैसे सबसे मेरी काफ हो, पर अक्स देखे तुम में तो माइनों से साफ हो. हम बैठे बैठे सोच में पड़े हुए, फीलिंग विद द लुक्स जैसे तुम आईनों से साफ हो. हां, तुम्हें अक्स तुम तुझमें मेरा अक्स दिखता है ऐसा कुछ. अच्छा, तुम आईनों से भी ज्यादा साफ हो मतलब. ओके ओके ओके. से मेरी काफ हो, पर अक्स देखे तुम में तो आईनों से साफ हो. हम बैठे बैठे सोच में पड़े हुए, फीलिंग विद द लुक्स जैसे तुम्हें खून माफ हो. मकान में रहे कभी घर मांगते हो, तुम्हें उड़ने का शौक कभी पर मांगते हो. तुम मुझसे क्यों इतनी कदर मांगते हो, तुम ख्वाहिशें भी देखो चीज हर मांगते हो. तुम एक ही हुनर का असर मांगते हो, हम पे नजर हर खबर मांगते हो. क्यों ऐसा हशर मांगते हो, तुम मानते नहीं तुम अगर मांगते हो. जाने ये ज़माना कितना मुसा है अपना ये अफसाना. किस बात का फिर घबराना, लिखेंगे हम अपनी दास्तां. यूनिस आ जाए भाई बस अब जल्दी. लंबी वर्ड्स थे, छोटी नहीं चाहिए.
जब भी देखूं तुझे ऐसा लगे टाइम गया रुक क्या ढूंढे तुझ में नॉक्स में जब बोलूं सारे चुप मेरा गवा मेरा उड़ गया ही लिखूंगा मैं तुझ पे मैं 24 घंटे बट यूनिस भाई तो भूटी रहता है भाई 24 घंटे भूटी है हम यकीन करते हैं इस बात पे बहुत सही भाई हाँ भाई मजा आ गया भाई मजा आ गया स्लो मतलब टाइम रोक दे रहा है भाई उसे जैसी वो देख रहा है यूनिस उसको वो टाइम रोक दे रही है भाई यूनिस का ये सब स्लो क्या ढूंढे तुझ में नॉक्स में जब बोलूं सारे चुप मेरा गवा मेरा उड़ गया ही लिखूंगा मैं तुझ पे मैं 24 घंटे बट तेरे लिए फिर भी होश में बॉटल पूरी डाउन कैसे खड़े हैं वो सोचते ट्रैफिक होता जाम जब भी निकले अब रोड पे पूरा प्रोटोकॉल करूं लव जोन से फोर प्ले ड्राइव इट लाइक इट्स हॉट बेबी शो मी व्हाट यू गॉट स्मोक इन द पार्क व्हेन यू सी मी कॉल अ कार पैक एंड राइड ऑन दिस बीट सो मस्ट बी गॉट टू स्टॉप क्या कह रहे हैं खुल के बात जब सब रटे ये अल्फाज ख्वाहिशें सिर्फ पूरी नहीं सर करते हैं लोगों की बेहद कदर करते हैं दिल कैसे दम तेरे कम करते हैं मिसरे ये सब पे असर करते हैं बयान करें कैसे तुझे लफ्जों की बीन समेट के बिखेर दें सब ऐसी ये दीवानगी हाजिर है जान हाजिर है ये मेरी जान भी तू ही जाने शायद कीमत मेरे नाम की गॉड डैम जाने ये समाना पुराने यूनिस था इसमें मेलोडी यूनिस नहीं था ना नहीं पुराने मतलब एक तरह से मिक्स अप वर्स दिया है रैप वर्स हां ना जेजे 47 ने भी वैसा ही रैप वर्स दिया हां और बिलाल अली ने लग रहा है कि हुक गाया वाला गाया है हां ये है कि शुरू में जब आया था मतलब हुक आया था तो अच्छा लग रहा था इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था अच्छा लग रहा था जब तक बिना ड्रम्स के था ना वो मेलोडी पे था वो जब तक गिटार पे तब तक वो ठीक लगा पर ड्रम्स आते पता नहीं वो ऑफ हो गए पता नहीं क्या हुआ फिर जब जेजे 47 का वर्स आया तो भाई जे जे 47 के उसमें इंपैक्ट था बहुत उसके बाद जब हुगाया तो अच्छा लगा मेरे को तो उस टाइम जमा कि हाँ ठीक है इसके बाद इंपैक्ट बढ़ रहा है उसका फिर यूनिस का वर्स आया वो भी बहुत सही लगा उसके बाद जब हुगाया तब ऐसा लगा कि वो मस्त वो सही से झटके से आया थोड़ा रुक के आया ऐसा लगा मतलब बीच में गैप आ गया वर्स रुक गई पता नहीं क्यों या तो मेरे दिमाग मेरे पल्ले नहीं पड़ रही जो भी है मतलब आई डोंट नो मैं फील नहीं कर पा रहा जो भी है पर मेरे हिसाब से तो भाई हुक मेरे को वीक लग रहा है मेरे लिए सुनने में क्योंकि वो रैप में आ रहा है तो दम आ रहा है भाई दोनों रैप आ रही है दम आ रहा है भाई दोनों के वर्स में बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल है लिरिक्स की बात अगर मैं करूँ की हुक में तो वो ठीक है लिरिक्स थोड़े हल्के भी होंगे तो चले क्योंकि उस टाइम मेलोडी बनाना ज्यादा कंपोजिशन ऐसे वाइब होनी चाहिए जरूरी है पर ये है कि वाइब मिसिंग है बस उसको कहीं ना कहीं थोड़ा दबा रही है ना ऐसा लग रहा है यही है सीन ब्रो मेरे को नहीं उतना खास नहीं लगा मतलब मेरे को हुक पार्ट उतना अच्छा नहीं लगा बस मैं ही कहना चाहूंगा बाकी दोनों जेजे 47 का वर्स मेरे को है ना ज्यादा बेटर उसका था वो बंदा क्योंकि गाता नहीं है एक तो जिस स्टाइल में या फिर कभी सुना नहीं है ऐसा रुका हुआ मतलब कि उसके उसमें ज्यादातर अलोननेस और सैड म्यूजिक टाइप रहता है ये थोड़ा डांस टाइप है और वो उसने क्या करा कि रिदम तो वही रखी जैसा वो रखता हमेशा पर कैसे उसने इस पे अपने आप को मेंटेन कर लिया वो मेरे को बहुत सही लगा भाई ना मस्त भाई मेरे को भी जेजे ज्यादा बेटर लगा सच्ची बताऊं तो यूनिस भी अच्छा लगा पर यूनिस बहुत फास्ट हो गया था समझ में भी नहीं आ रहा था कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा था मेरे साथ हो रहा था पर हाँ मजा आया भाई मतलब मेरे को मेनली बोलूं तो मेरे को बस ये क्या कहते हैं हुक की वजह से मेरे को गाना उतना अच्छा नहीं लगा वर्सेस मेरे को दोनों अच्छी लगी कि भाई बस मैं ये कहना चाहूंगा म्यूजिक बहुत अच्छा था म्यूजिक की भी कोई कमी नहीं है बस मेरे को लगा कॉम्पोजिशन का थोड़ा सीन था कि मतलब वो स्पार्क नहीं कर रही है एक तरीके से पूरे गाने में थोड़ी सी ना डल हो जा रही है वो बस यही मेरे को पंगा लगा अदरवाइज भाई सही है गाना मतलब यस हुक और वर्स का मतलब एक तरीके से अटैचमेंट आपस में उतना ज्यादा ब्लेंड नहीं हो पाया हो भी रहा है तो हमारे समझ नहीं आ रहा साफ सीधी बात बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Peace out. I'm not
ज़रा बाज़ है वो।